आज हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है उसका थोड़ा सा बेसिक समझेंगे हम इस वाले लेक्चर में। जावास्क्रिप्ट जैसे कि नेम से क्लियर है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है? तो बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, बट आपने इसे ही सेम नेम सुना होगा जावा। तो जावा एंड जावास्क्रिप्ट बोथ आर डिफरेंट, ठीक है? बहुत सारे लोग सोचते हैं दोनों सेम ही है, नहीं, दोनों अलग हैं, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट का क्या यूज़ होता है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं पहले ये समझते हैं। तो अभी तक हम जैसे वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वेबसाइट में हमने HTML पढ़ लिया, CSS पढ़ लिया। जब हमने HTML पढ़ा तो हमें समझ आया कि बहुत सारे टैग्स होते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं, उनकी वर्किंग समझते हैं, ठीक है? हमारा काम हो गया, हमने वेब पेजेस डिज़ाइन कर लिए। बट अपने वेब पेजेस को एक लुक देने के लिए अच्छा हमने यूज़ किया CSS को, ठीक है? और उसके अलावा जो हमारा कोड है वो सेव रहे, वन टाइम हम उसको लिखें और मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकें, ठीक है? तो इसके लिए भी हमने CSS को यूज़ किया। अब दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली, बट दोनों में हमने किसी में भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ कैलकुलेशन कर पाएँ। जैसे मुझे कुछ टू नंबर्स का सम करना है एग्जाम्पल, तो ना वो मैं HTML में कर सकती हूँ, ना ही मैं वो चीज़ CSS में कर सकती हूँ। या मुझे कोई लॉजिक लिखना है तो वो लॉजिक मैं HTML और CSS में नहीं लिख सकती। मैं डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ, नो डाउट, बट कुछ भी लॉजिक नहीं लिख सकती। तो लॉजिक के लिए हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें मुझे कैलकुलेशन की नीड होती है, तो फिर वो HTML और CSS से तो हो नहीं सकती, वो हम किस में करेंगे, जावास्क्रिप्ट से। दूसरी चीज़, हमने HTML में फॉर्म बनाया था तो फॉर्म में हमें वैलिडेशन चेक करना है। जैसे वैलिडेशन का मतलब कोई फील्ड है वो ब्लैंक तो नहीं छोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, वैलिडेशन। या आपको पता होगा आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो उसमें पासवर्ड फिल करते हो, तो पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दो फील्ड आते हैं, तो हम उन दोनों को भी चेक करते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर यूज़र सेम देता है तब हम ओके करते हैं, अदरवाइज उसमें एरर आ जाता है। तो इस तरह के जो वैलिडेशन होते हैं, या फिर ऐसा वैलिडेशन होता है कि जहाँ पे हमारा नेम है वहाँ नेम ही आएगा, कोई नंबर एंटर नहीं कर सकता, तो वो भी क्या हो गया, एक टाइप का वैलिडेशन। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वैलिडेशन करते हैं, ठीक है? बहुत सारे डिज़ाइनिंग भी हम करेंगे, लॉजिक पे भी वर्क करेंगे, इसमें हम लॉजिक लिखेंगे, धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। तो जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें हम लॉजिक बिल्ड करते हैं, वो हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है, जावा एंड जावास्क्रिप्ट। तो जावा एंड जावास्क्रिप्ट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जावा एक लैंग्वेज है जो कि ऊप्स को फॉलो करती है, ठीक है? ये पूरी तरीके से फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, ठीक है? जावा स्क्रिप्ट क्या है, वो मल्टी पैराडिग्म है, मतलब हम कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वो जावा की तरह नहीं है कि ऊप्स के कंसेप्ट को ही फॉलो करे, सिर्फ ऐसा नहीं है जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट में हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग करते हैं, स्क्रिप्ट बेस्ड, ठीक है? उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट की, जावा को JVM के थ्रू रन कराते हैं, जबकि जावा स्क्रिप्ट ब्राउज़र के थ्रू रन हो सकती है। जावा का एक्सटेंशन है डॉट जावा, जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है डॉट JS। ये जो है जावा वो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है, जबकि जावा स्क्रिप्ट लूजली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है? जावा है उसके सिंटैक्स ये सब थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है। जावा स्क्रिप्ट का कैसा है, बहुत ईजी है, ठीक है? उसमें इतने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता। तो मतलब कुछ बेसिक डिफरेंस है, दोनों अलग अलग पर्पज़ से यूज़ होती हैं। अगर हमें स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर बनाना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, तो हम जावा का यूज़ करते हैं, और जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं जहाँ हमें वेबसाइट या वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है, वहाँ हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अब हम इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं, तो हम HTML के साथ इसको यूज़ करने वाले हैं। आप देख सकते हो, आप मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है सी ड्राइव में HTML टेस्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट नाम से। अभी आप देख सकते हो ये ब्लैंक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी जावास्क्रिप्ट का एक सबसे सिंपल प्रोग्राम आप कैसे राइट करोगे। तो सबसे पहले आप नोटपैड ओपन करोगे, ब्लैंक है, अभी देख सकते हो यहाँ पे ये फोल्डर कैसा है, एम्प्टी, यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। अब हमने क्या किया, हमें जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करना है। तो अब मैं जो जावा स्क्रिप्ट है वो भी आप दो तरीके से बना सकते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अभी तो मैं इंटरनल ही बता रही हूँ। इंटरनल का मतलब क्या हुआ, वो हम कोड HTML के अंदर ही लिखेंगे, तो इसका मतलब HTML का कोड हमें राइट करना होगा। अब किसी को अगर HTML नहीं आता तो उसे जावा स्क्रिप्ट नहीं आ सकती, पहले उसे बेसिक HTML ज़रूर सीखना पड़ेगा। मतलब HTML की तीन चार क्लासेस आपको ज़रूर आनी चाहिए,
अदरवाइज आपको जावास्क्रिप्ट समझ में नहीं आएगी। इवन पूरा एचटीएमएल आता होगा तो आप जावास्क्रिप्ट को ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि एचटीएमएल में फॉर्म ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, वही फिर हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। तो अब हम एक कोड राइट कर रहे हैं एचटीएमएल का। एचटीएमएल का बेसिक कोड होता है, एचटीएमएल हमने स्टार्ट किया, आफ्टर दैट एचटीएमएल को क्लोज किया। उसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज हेड, स्टार्ट किया, फिर हमने हेड को क्लोज किया। आफ्टर दैट बॉडी को स्टार्ट किया, नेक्स्ट बॉडी को क्लोज किया। ये काम हमने एचटीएमएल का किया, इनके अभी हमने जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड राइट नहीं किया। मैं इसको सेव कराऊंगी, देख सकते हो एचटीएमएल टेस्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट में। हम इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट डॉट। अब ये एचटीएमएल की ही फाइल है ना, तो एक्सटेंशन ऑब्वियसली एचटीएमएल ही आएगा, और यहाँ पे सेव एज टाइप में आएगा ऑल फाइल्स। हमने इस तरीके से इसको सेव कर दिया। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, सिंपल आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। हेड के अंदर मैं कोई टाइटल देती हूँ, तो मैंने लिखा, यहाँ लिखा जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट लिखा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आ गया टाइटल जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, अभी मैंने जावा स्क्रिप्ट का कोई कोड लिखना चाहती हूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे दिया। जावा स्क्रिप्ट को आप कैसे स्टार्ट करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट स्टार्ट करोगे, आफ्टर दैट स्क्रिप्ट को क्लोज करोगे। मतलब आपको जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिखना है तो स्क्रिप्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट को क्लोज करना पड़ेगा। अब मैं कुछ लिख सकती हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या लिखना चाहती हूँ, मैं सबसे पहले कुछ प्रिंट करना चाहती हूँ, जैसे हेलो जावास्क्रिप्ट। तो वो कैसे करते हैं, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे आप लिखोगे हेलो जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो जावास्क्रिप्ट। तो हम इस तरीके से कोई भी लाइन जावास्क्रिप्ट में राइट कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर हमने उसके अंदर डबल कोट्स में जो भी देंगे वो लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कोई सेकेंड लाइन लिखना चाहती हूँ, या सपोज करो मैं कुछ हेडिंग देना चाहती हूँ जो एचटीएमएल में, तो मैंने H1 लिखा, हेडिंग का नाम रखा जावा स्क्रिप्ट, फिर आफ्टर दैट H1 को क्लोज कर दिया। देखो, यानी कि आउटपुट में एज सच आपको वैसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा कोड एचटीएमएल से आया है, कौन सा कोड जावास्क्रिप्ट से आया है। अब मैं P लिखूं तो पैराग्राफ में आ जाएगा, सिंपल। देख सकते हो, क्या आप इन दोनों लाइनों को देख के ये पता लगा सकते हो कौन सा कोड जावास्क्रिप्ट में लिखा है, कौन सा एचटीएमएल में नहीं, दोनों ही लगभग सेम लग रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कोड इसी तरीके से जनरेट होता है कि आउटपुट में आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। अब मुझे एक और लाइन लिखनी है, लिखा कोड डन, तो हम लिख रहे थे कोड डन। अब इसको सेव करेंगे, फिर इसको रन कराएंगे, तो आप देख रहे हो जावास्क्रिप्ट के आगे लिखा आ गया कोड डन, जबकि मैं चाहती हूँ कोड डन नेक्स्ट लाइन में है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जो एचटीएमएल में यूज करते थे लाइन के लिए br टैग, br फॉर ब्रेक, तो आप देख सकते हो हेलो जावास्क्रिप्ट वाली लाइन फर्स्ट लाइन में आ गई और कोड डन वाली लाइन सेकेंड लाइन में आ गई। तो इस तरीके से हमने, आप देख लो इस फाइल को, स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट क्लोज किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मिडिल में 2 टाइम्स लिख दिया। तो क्या होगा,
जावास्क्रिप्ट का कोड लिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिक जावास्क्रिप्ट का कोड बनाते हैं, कैसे हमें लिखना है। बाकी हमने इफ एल्स से, लूप से, स्विच से आगे मतलब कैसे कैसे यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट में, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा।